नमस्कार एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर इज 12 हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला क्या था? ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें कंडीशंस अगर तीनों इफ थ्री साइड्स आर गिवन एंड वन साइड टू साइड एंड वन पैरामीटर इज गिवन। ठीक है, इस टाइप की अगर कंडीशंस यहां पर अप्लाई हो तो इस टाइप क्वेश्चन भी आपको इस एक्सरसाइज के अंदर मिलेंगे। तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट क्या है, पैरामीटर आपको दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड्स आपको ए गिवन है, सारी साइड्स ए गिवन है। पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी है, होल साइड्स आर ए, सबकी साइड्स क्या है ए है। अब पी इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। क्वेश्चन में पैरामीटर 180 गिवन है, पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ होल साइड्स। सम ऑफ होल साइड्स मतलब सम ऑफ होल साइड्स क्या दिया हुआ है, दिस इज पैरामीटर। सम ऑफ होल साइड मतलब ए प्लस ए प्लस ए, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। पैरामीटर की जगह अगर मैं 180 लिखूं तो क्वेश्चन में गिवन है ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, अब यहां पर हमें वैल्यू चाहिए एक्चुअली सेमी पैरामीटर की। ठीक है, पैरामीटर अगर यहाँ पे आप थ्री ए करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू ए आ जाएगी, बट वो पैरामीटर के थ्रू आएगी, हमें वैल्यू चाहिए सेमी पैरामीटर से। तो सेमी पैरामीटर में हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, इसका क्या होता था, डिवाइडेड बाय टू हो जाता है, ये क्या हो जाता है, दिस इज कॉल्ड सेमी पैरामीटर। ये था पैरामीटर, अब हमने सेमी पैरामीटर पैरामीटर मतलब हम हाफ कर देंगे तो वो आपका सेमी पैरामीटर हो जाएगा। तो 90 इज इक्वल टू ये कितना हो गया, थ्री ए अपॉन टू। ठीक है, यहां से जब हम स्टार्ट करते हैं इसको तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू निकालनी, क्योंकि आप ए क्या रखोगे इसके अंदर, साइड ऑफ ट्रायंगल तो गिवन है नहीं। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, कॉस मल्टीप्लाई किया, जिसके थ्रू हमने क्या निकाला 180, ये मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू 3a और a इज इक्वल टू 180 अपॉन आपके पास आ जाएगा 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये हो गया 3 6 80, a इज 60 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर हर एक साइड जो है ट्राइंगल की 67 सेंटीमीटर है। और सेमी पैरामीटर एस क्या हुआ, एस आपके पास जो आपके पास आ रहा है ये है सेमी पैरामीटर, इसको जब हम हाफ कर देंगे दिस इज आपके पास आएगा 3a/2 एंड ये हो गया आपके पास ए की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 60। तो सेमी पैरामीटर जब आप रखेंगे सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा 90/180/2 सेमी पैरामीटर। यहाँ पर वैल्यू जो आपके देखते हैं अंडर रूट एस, एस कितना हो जाएगा, एस की वैल्यू हमारे पास हमने निकाली है 180/2, ये हो गया सेमी पैरामीटर कितना 90 सेंटीमीटर, दिस इज कॉल्ड सेमी पैरामीटर। यहाँ पर रखा 90 देन 90 माइनस ए बी सी सबकी वैल्यू सेम है 60 है, ये हो गया 60, 90 माइनस बी इज अगेन 60, 90 माइनस सी अगेन इज 60। ठीक है, अब आपने यहाँ पर सॉल्यूशन किया हो गया 90 60 माइनस हो गया 30, ये भी 30 एंड दिस इज आल्सो 30। नाउ इसके आपको क्या लेने हैं, आपको इसके फैक्टर्स करने हैं, एलसीएम लेना है। सो एलसीएम ऑफ दिस यहाँ पे 90 है, देखें यहाँ पे कितना आ गया 90 आ गया, तो 90 आ गया, तो 90 किस किसकी टेबल में आता है, 9 9 9 90 फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो वही फैक्टर्स हमको यहाँ पे करके रखने थे और कुछ कॉमन आता है तो हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप कर सकते हो 30 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा 90, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन चीजें दिख रही है तो हम वहाँ पे वो रख देंगे। तो एरिया हमें बात रही है 30 हमने एज एज लिखा है, 30 के फैक्ट 90 के फैक्टर कर दिए मैंने, बस ये वाला पेयर बन रहा है यहाँ पर, एक और 30 है पेयर बन रहा है, ये पेयर आ गया और दूसरा पेयर ये बन रहा है, ये पेयर आया तो अंडर रूट से 30 बाहर, ये दूसरा भी बाहर, तो बचा क्या अंडर रूट के अंदर, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, एक ओवर ब्रिज दिया हुआ है, ओवर ब्रिज के नीचे से रिवर्स पास होते हैं तो उसके दोनों तरफ की जो बाउंड्री है किसी पेंटिंग के या किसी एडवर्टीजमेंट के काम आती है, तो वहां पे जो दीवार है वो किस शेप में, तीन मेजरमेंट वहां पे गिवन है, इस तरह से ये दीवार है, तो एक
ट्रांसवर्स है, तो ये जो तीन साइड व्यू है फ्रंटल की, यहाँ पे आपको बताना है कि इस ट्रांसवर्स का एरिया कितना होगा, फिर हम उसके अकॉर्डिंग पोज फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल के तीनों साइड गिवन है, तो ट्राइंगल ये है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के तीनों साइड गिवन है, इट मींस हमें यहाँ पे पेरिमीटर और सेमी पेरिमीटर फाइंड आउट करना होगा। तो पेरिमीटर क्या हुआ, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये हो गया पेरिमीटर। सेमी पेरिमीटर निकालना है तो एस इज इक्वल टू, मतलब सभी साइड्स के टोटल का हाफ अगर हम कर दें ये हो जाएगा सेमी पेरिमीटर। तो एस जो वैल्यू यहाँ पे निकल कर आएगी आपकी वो रखेगी आपके पास 132 मीटर। नाउ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल या फिर दिस बॉल यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये बॉल का एरिया अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी हो गया, ठीक है। नाउ एस की वैल्यू अब आपके पास है, एस इज 132 मीटर, 132 मीटर अब आपकी सारी साइड्स आपके पास हैं। नाउ अंडर रूट एस एस इज 132 माइनस ए, ए आपके पास है 122 माइनस 120 एंड 132 माइनस 22। हमने क्या किया, सभी साइड्स के मेजरमेंट को अपने सेमी पैरामीटर में से माइनस करके हम की वैल्यू लिख दी है। नाउ 132 मल्टीप्लाई, इसको जब आप कैंसिल करेंगे माइनस करेंगे तो जीरो, ये 10 बचेगा, अगेन यहाँ पर 2 और ये हो गया, देन यहाँ पे 0 1 और 110 इस यहाँ पर माइनस करने के बाद ये वैल्यू आपके पास रहेंगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली 132 का फैक्टर आपको करके रखना है। 132 किसकी टेबल में आता है, सपोज यहाँ पे आपने एलसीएम लिया, जैसे यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया 132, तो 2 6 12 और 2 अगेन 6 12, 2 3 6, 3 1 3 and 11 1 7, तो these are the factors of 132. 2 into 2 into 2 into 3 into 11, ठीक है। Now 10 तो easy है, 5 2 are 10, 12 हो गया, 6 2 are 12 होता है, तो 3 into 4, ठीक है, 3 into 4, या फिर आप ऐसे करते हैं 12, या फिर इसके भी हम कर सकते हैं factors, ये हो गए 2 are 4 और 4 3 are 12, ठीक है। Now 110 का जो फैक्टर है आपके पास ये हो गया 110, 2 into 5 are 10, अगेन 2 5 are 10, ठीक है, 5 1 are और 11 1 are, तो 2 into 5 into 11। अब आपको बनाने हमने क्या किया, सबसे पहले इनको माइनस किया, देन उसके बाद जो नंबर्स आए थे उन्हें फैक्टर निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया, अब उनकी पेयरिंग कर दें क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, तो ये हो गया 2 का पेयरिंग रूट से बाहर, ठीक है, 11 का पेयरिंग ये हो गया, ये भी रूट से बाहर, 3 का पेयरिंग ये हो गया, 3 भी बाहर, 5 का पेयरिंग हो गया, 5 भी बाहर, 2 का पेयर हो गया, 2 भी बाहर, अभी जो 2 रिमेनिंग बचे थे वो भी बाहर, इट मींस रूट के अंदर कोई वैल्यू नहीं बची है। बस आपको क्या करना है, सिंपली इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर रहेगा वो रहेगा 100 and 1320 meters square। ये है ट्राइंगल का, ये है बॉल का एरिया जिसमें 1320 आपको मिल रहा है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, कॉस्ट बतानी है इसकी, तो कॉस्ट में कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ बॉल देखो यहाँ पे रेंट चार्ज के लिए 5000 rupees पर ईयर, तो आपको रेंट निकालना है, रेंट चार्ज फॉर्म अ कंपनी फॉर 3 months का आपको निकालना है, तो रेंट जब आप निकालेंगे ये देख लीजिएगा, जब आप रेंट निकालेंगे तो किस फॉर्म में निकालेंगे, सो जब आप रेंट फाइंड आउट करेंगे रेंट कितना, रेंट चार्जेस फॉर 3 months, अब एक आपके पास ईयर के अंदर 12 months होते हैं, तो 3 months के लिए पूछ रहा है, 12 month का चार्ज है 5000 है, तो 3 months का कितना हो जाएगा यहाँ पे पूछ रहा है, तो 3 months का हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाई बाय 3/12 एंड मल्टीप्लाई बाय दिस एरिया, इस एरिया के लिए हमें चार्जेस निकालने हैं, तो ये है पूरा 3 months का चार्ज आपके पास। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन।